हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। सो गाइस, आज जो वीडियो है वो एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड कर, मतलब स्टोरी टाइम करके कुछ वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने जो आज तक जो लेवल पुश किया उसमें एक्सपी कार्ड जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो वो जो चीज़ है वो मैंने कैसे कलेक्ट किया और आप लोग क्या करना चाहिए आप लोगों को, वो सब चीज़ बताऊंगा। और मैंने क्या क्या करके वो एक्सपी कलेक्ट किया और अभी फ़िलहाल क्या मेरे पास कितने दिन के लिए एक्सपी कार्ड है वो सब दिखाऊंगा मैं। और एक इम्पोर्टेंट बात भी है वो भी बताऊंगा मैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो EXP कार्ड है हमारा, 100% EXP कार्ड या फिर 50% EXP कार्ड, वो जितने भी बंदे लेवल अप करना चाहते हो या फिर ज़्यादा EXP गेन करना चाहते हो तो वो तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है EXP कार्ड। उसके बिना आप ज़्यादा तेज़ी से लेवल अप नहीं कर सकते। और मेन करके जो 100% EXP कार्ड है, ये गेम में जब शुरू से गेम था, एकदम सीज़न 1 तब से था। ये जो फर्स्ट एलाइट था हमारा सकुरा बंडल, उधर भी सीज़न 1 का एक 100% EXP कार्ड मिला था। मैंने ओल्ड वीडियोस में देखा है, उतना याद भी नहीं है। तो उस टाइम से था EXP कार्ड। और कुछ दिन बाद में, मतलब तब से ये चीज़ चलता आ रहा है। और कुछ दिन जो बंदे बोलते हैं ना कि ये नया नया EXP कार्ड गेम में आके सब तेज़ी से लेवल अप कर रहे हैं, भाई वो गलत है। भाई पहले, बहुत पहले से EXP कार्ड गेम में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद क्या हुआ, शायद बीच में स्टोर में आया था EXP, उतना याद नहीं है मुझे। तो कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, EXP कार्ड जो है हमारा है 100% EXP कार्ड, वो स्टोर में भी दे दिया गया 7 दिन के लिए 100 डायमंड, ऐसे करके। मतलब 100 डायमंड में 7 दिन का EXP कार्ड 100% जो है। और जो हमारा 50% EXP कार्ड है वो मिलता है, पहले मिलता था आप लोगों को उधर डायमंड रॉयल घुमाने पे, और अभी जो है हमारा गिल्ड में मंगलवार को मिल जाता है 6 दिन के लिए। तो 50, अभी कोई भी 4 मैक्स 4 मैक्स गिल्ड में घुस जाइए, उधर आपको वो EXP कार्ड मिल जाएगा 50% का 6 दिन के लिए। और जो 100% EXP कार्ड है वो 100 डायमंड में आपको 1 वीक के लिए मिल जाएगा। तो मेरे पास तो गाइस देखो, सब लोगों को पता ही है कि मैं ज़्यादा पैसा वैसा खर्चा करता नहीं गेम में, ठीक है। तो जो 100% EXP कार्ड होता है वो एलाइट पास में भी मिलता है। एलाइट पास पहले मैं लेता था, जो जो पसंद आता था। पहले मैं मतलब गेम में पैसा तो लगाता ही नहीं था, वो 29 का जो एयर ड्रॉप है, 10 का एयर ड्रॉप आ गया, ये सब मारता था गेम में, ठीक है। तो मैं EXP कार्ड तो मुझे चाहिए था, क्योंकि भाई मैं तो लेवल अप कर रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या करता था, मैंने काम किया, अलग अलग जीमेल आईडीज बनाए और अलग अलग अकाउंट बनाए, करीब 36 या 37 करके कुछ आईडीज था, उतना जीमेल बनाया मैंने। और हर एक में आईडी खोला, और गाइस जो नए नए आईडीज होते हैं उसमें वो 10 रुपये का ऑफ़र, 29 रुपीज़ का ऑफ़र, ये सब ज़्यादा आता है, ठीक है। तो खोला, एक मैच खेला, बुआ किया, करीब 36 आईडी खोले थे ना, उसमें से 20 आईडी में ऑफ़र आ गया 10 29 रुपीज़ का, ठीक है। तो 10 रुपये का ऑफ़र उठ गया था, या फिर दो तीन आया था, आया भी था, याद नहीं है। तो सब मैंने वो परचेज़ कर लिया, जो मेरे पास जितने भी पैसे था वो गूगल प्ले कोड से, मतलब प्ले कार्ड से मैंने सब आईडीज़ पे वो बक्सा ख़रीद लिया, 300 डायमंड 300 डायमंड करके हर एक आईडी पे, करीब 20 आईडी ऐसे ऐसे। तो मैं क्या करता था उसमें, तब ये वाला सिस्टम नहीं था कि 20 लेवल ना होने पर आप गिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो करीब 12 लेवल या फिर 10 लेवल था शायद, 10 लेवल, हाँ 10 लेवल होने पर आप गिफ्ट सेंड कर सकते थे। तो 10 लेवल करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं था, दो तीन मतलब कुछ 1 घंटे शायद खेलता था, और एक एक आईडी का 10 लेवल हो जाता था, हाँ। तो उधर हो जाता था 300 डायमंड, और मैं गिफ्ट सेंड कर देता था 3 × 7 21 डेज का जो EXP कार्ड है, मैं मेन आईडी पे जो है सेंड कर देता गिफ्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, गरना हमारा चालाकी को समझ गया और ऐसा सिस्टम कर दिया कि 20 लेवल के नीचे आईडी आप गिफ्ट नहीं सेंड कर सकते थे। तो ये सिस्टम हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ दिन तक
मेरे पास दोनों फ़ोन है, इस फ़ोन पे भी गेम चलाता था मेन आईडी, दूसरे फ़ोन में वो नया आईडी में चला के उसमें 20 लेवल करता था। ऐसे करीब 6-7 आईडीज मैंने 20 लेवल किया, फिर वो वाला ये स्पीकर मैंने अपने आईडी पे ले आया। तो यही है सिस्टम। और अभी फ़िलहाल क्या है ना, फ़िलहाल देखो स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते हो, आज सुबह तो वाइज मैं जो बोल रहा था, तो आज क्या हुआ, मेरे पास 10 दिन के लिए एक्सपी कार्ड शायद बचा था वो 100% वाला, तो मैं इसके लिए वो तुम्हारा वो डायमंड भी थोड़ा सा मार लिया था मेंबरशिप एक महीने का। तो आज सुबह क्या हुआ, सुबह मैंने स्टोर पे चेक किया, वो जो डेली स्पेशल होता है उधर मेरे को परमानेंट जो एक्सपी कार्ड है वो ओनली 50 डायमंड में मिल गया मुझे, ठीक है। तो मैं सोचा था 7 दिन के लिए होगा, लेकिन मैंने चेक किया तो परमानेंट था ये, तो मैंने ख़रीद लिया बस। और जो बात है देखो कि आप लोग गिफ्ट भेजते थे 2-3 बंदे या फिर कुछ भी, ये आप सबका प्यार है मुझे पता है, बट गाइज और वेस्ट मत कीजिए, जो मेरे को भेजते थे ना ये एक्सपी कार्ड, मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर भेजने ही तो ये एक्सपी भेजो, ये एड्रेस बेस मत भेजो, अब तो ये एक्सपी मत भेजो क्योंकि मुझे परमानेंट मिल चुका है 100% वाला, और 50% वाला अभी भी गिफ्ट स्टोर में नहीं है जो आप भेजोगे वो, तो कोई मुझे कोई गिफ्ट मत भेजो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं गेम में पैसे नहीं लगाता, इसका मतलब मैं लगा नहीं सकता, ठीक है। जो ग्रीन क्रिमिनल है सब आजू बाजू सब इवेंट गन स्किन सब निकाल सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो, बट मैं नहीं चाहता कि गरेना एक कंपनी है, इसको मैं पैसा दे के क्यों, मतलब आप अगर मतलब मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि गेम में ज़्यादा वेस्ट ना करें, अगर आप खुद कमाते नहीं हो ठीक है तो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 मतलब एयर ड्रॉप जो आ जाता है 29 रुपीज़ का वो मारो, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है, मैं आपको जो ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोल रहा, आपका मर्ज़ी तो आप लगा सकते हो गेम में पैसा, और मेरा जो सजेशन है, मैं आप लोगों को अगर मुझसे पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है गेम में पैसा वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको मैं वेस्ट ही बोलता हूँ, इन्वेस्ट नहीं बोलता, वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए मेरे हिसाब से गेम में। और फिर भी अगर आप मतलब बहुत सारे पैसे कमाते आप एक मतलब शौक के लिए फिर आप कर सकते हैं, और अगर आप बच्चे हैं अभी माँ बाप के पैसे से खाते हैं, ठीक है सीधी बात है, सुनने में शायद अजीब लग रहा है, तो आप बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए गेम में एज अ फन गेम के लिए। ये फालतू बकवास है कि ड्रेस के बिना या फिर गन स्किन्स के बिना आप गेम नहीं खेल सकते, एकदम बकवास है गेम। आइए मज़े कीजिए, आधा घंटा एक घंटा खेलिए, रिलैक्स होके जाइए, ठीक है। अलग से गेम को मतलब गेम को अलग से एक टेंशन में मत रखिए, ठीक है। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ गेम खेलते टेंशन लेके, भाई तू टेंशन फ्री करने के लिए गेम खेलने आया है, अलग से टेंशन लेके गेम क्यों खेल रहा है भाई, रैंक पुश करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ जो अलग से प्रोफेशनल गेमर है उनकी बात अलग है, उनका तो प्रोफेशन ही है गेम, उनका तो ये डेडिकेशन होना चाहिए गेम में, मैं ये करूँ वो करूँ, ठीक है। लेकिन आप एक नॉर्मल हो, आप गेम खेल रहे हो, नॉर्मल इंसान हो, आप अपना करियर भी संभालो, अपना पढ़ाई लिखाई बहुत उसमें ध्यान दो, इसमें पैसा वेस्ट मत करो, आओ बीच में आधा घंटा एक घंटा गेम खेलो दोस्तों के साथ, फन करो, जाओ चले जाओ, बिंदास हो गए, हंसी मजाक ये सब करो, ये सब वेस्ट वेस्ट मत करो। चलो कोई ना, ज़्यादा ज्ञान दे दिया, ये सब बोलना नहीं चाहिए तो पब्लिक मुझे उल्टा पीटेगी फिर से। चलो गाइस बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा जो बोलना था मैंने बोल दिया, और गिफ्ट विफ्ट मत करो ठीक है, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, उससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई टॉपअप वॉपअप मत करो मेरे आईडी पे, ठीक है। चलो लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, सी यू सून।